आज हाँ बटर गार्लिक प्रॉन्स बना ला रही हूँ। मैंने हाफ के जी प्रॉन्स लिया है और मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल में इन प्रॉन्स को भून रही हूँ और इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के भूनती हूँ। प्रॉन्स को ज़्यादा तेज आंच पे में मत पकाना, इसको थोड़ा कम स्टीम पे, कम मतलब मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर मैंने पतला पतला काटा हुआ एक चम्मच गार्लिक को लाया है और उसके साथ इसको भून लेती हूँ। गार्लिक के साथ इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब इसमें मैंने एक चम्मच सोया सॉस डाला है, सोया सॉस के साथ इसको मिला रही हूँ। और यहीं पर मैं एक चम्मच से ज़्यादा बटर मिलाऊंगी। और इस बटर के साथ भी इसको पका लूंगी। मैंने इसमें बहुत फ्रेश गार्लिक डाला है और फ्रेश गार्लिक जो मेरी किचन गार्डन्स में लगा था वहीं से लाई और पतला पतला काट के इसमें मैंने फ्रेश गार्लिक डाला है। फ्रेश गार्लिक डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ मैं इसको भून लूँगी कम से कम 2-3 मिनट। देखिए 2-3 मिनट हो गए, भुन गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी मिलाऊंगी। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका घोल बनाया है। इसके घोल से ये क्या डालने से इसकी ग्रेवी थिक होती है। देखिए कॉर्नफ्लावर का ये घोल बन गया है और इसमें मैं डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी क्योंकि बटर में भी नमक होता है और पहले भी मैंने नमक मिलाया था। नमक आप अपने स्वादानुसार मिला सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दिए और इन सब मसालों के साथ इसको पका लेती हूँ। देखिए 5 मिनट हो गए और प्रॉन्स का कलर कैसा हो गया है। अब इसमें मैं आधा कटा हुआ नींबू का रस भी मिलाऊंगी। देखिए
प्रॉन्स मेरे काफी हद तक तैयार हो गए हैं। गैस को बंद कर लिया है, अब मैं इसको प्लेटिंग कर लेती हूँ। प्रॉन्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया से इसको गार्निश किया है। यदि आपको मेरी इस तरीके से बनाई हुई बटर गार्लिक प्रॉन्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।